आज हम आपको मिलवाएंगे यूपी उन्नाव के हरदासपुर में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बीड़ा उठाया है अपने गांव के उन तमाम लोगों को सेहतमंद बनाने का जो बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं जी हां हम बात कर रहे हैं मोहम्मद राशिद की आइए मिलवाते हैं आपको उनसे मैं मोहम्मद उर्फ निराला हरदासपुर उन्नाव से मैंने हकीम सलेमान जी का टी शो देखा तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बताई और हमारे एक दोस्त थे सुरेश चंद तो उन्हें बहुत भयानक दर्द था पैरों से कमर से लेके पैरों तक तो वो बेचारे उठ बैठ नहीं पाते थे बैठे बैठे जो है घसलते थे तो हमने शो देखा और उनको सलाह दी हमने कहा आप हमारे हकीम जी का जो है इलाज कीजिए आपको लाभ होगा उन्होंने मेरी बात मानी और हमने ऑर्डर करके जो है हकीम जी से काला गोंद और जैतून का सिरका मंगाया और वो उसको इस्तेमाल करने लगे एक महीने के बाद में वो जो है कुछ उनको राहत आई दो महीने बीतने के बाद में वो उठ के खड़े होने लगे और तीसरे महीने में जो है वो थोड़ा थोड़ा चलने लगे और पाँचवें महीने में जो है वो साइकिल तक चलाने लगे इतना उन्हें लाभ हुआ वो आज बहुत खुश हैं तो अपने गांव के लोगों तक मुफ्त में दवाइयां पहुंचाना उनके जीवन को खुशहाल बनाना उनको सेहतमंद बनाना ये पुण्य कमा रही हैं मोहम्मद राशिद एक मेरी बहन बहुत परेशान थी दर्द के लिए वो भी गोंद से आ और ये जैतून का सिरका मंगा के उनको भी खिलाना चालू हुआ उन्हें भी आराम है हमको मेरे बाई साइड में पैरों से लेकर सर तक बहुत भयानक दर्द उठा और हमने एलोपैथिक की बहुत दवाएं खाई लेकिन आराम मिलता था और सुकून नहीं कायदे से मिला फिर हमने हकीम जी की जो है दवाएं खाना चालू की गूंजया और जैतून का सिरका तो इससे हमें बहुत लाभ मिला हम अपने घर में भी वही खिला रहे हैं उनको भी आराम है और एक और लेडीज़ कन्नौज़ की थी वो बहुत परेशान थी बहुत इलाज कर डाला एलोपैथिक परेशान हो गई फिर उन्हें कैसे पता चला तो वो हमसे मुलाकात हुई फिर हमने जो है हकीम साहब के यहाँ से से आ और जैतून का सिरका मंगा के और उनको दिया आज वो बहुत खुश हैं तो दोस्तों जब भी हम कोई नए काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक प्रेरणा होती है और मोहम्मद राशिद को ये प्रेरणा मिली एक टीवी शो के जरिए और आज उसी शो के जरिए मोहम्मद राशिद ने अपने गांव के ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदला है हमको भी लाभ हुआ है हमारा दोस्तों बहुत ही परेशान था वो कह रहा था कि हम पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं तो हमने कहा नहीं आप हिम्मत मत हारो और फिर वो भी शो देखने गए टीवी प्रोग्राम देखते हैं और बताते हैं कि हकीम जी इस पे ये बताते हैं ये बताते हैं तो हमने कहा अच्छी बात धन्यवाद देते हैं हकीम साहब को कि हकीम साहब ने ऐसी दवाओं का खोज करके और लोगों का फ़ायदा पहुँचा और बहुत लोग खुश हैं और मैं भी हकीम जी के लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ कि हकीम जी सलामत रहें और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सके